शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम तो पहले भी अच्छी थी। प्यार किया तो डरना हो क्या? अभी भी वक्त है, मेरा हाथ थाम लो। नहीं माँ, तुम अभी से नहीं बात करोगी। सच्चाई मैं जानता हूँ। इस तरह पति के होते हुए मैंने अपनी माँ का सिंदूर और माथे की बिंदी हटा दी और अपना मंगलसूत्र दुनिया की नजरों से छुपा रखा। एक देवी की तरह जिंदगी गुजारने वाली को सिंदूर और बिंदिया की क्या जरूरत है लक्ष्मी? तुम तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब तो अच्छाइयों की सीमा पार कर चुकी हो। और मैं एक कमबख्त शक की चिंगारियों से लगाई हुई आग में 14 साल जलता रहा, तपता रहा। लक्ष्मी, शायद कलयुग की रामायण में यही लिखा है कि इस दौर में सीता को नहीं राम को अग्नि परीक्षा देनी होगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। यह अधिकार तो सीताओं के पास ही रहना चाहिए। रामचंद्र जी ने भी पवित्र और बेगुनाह सीता पर शक किया, उनकी अग्नि परीक्षा ली, मगर राम राम ही थे, सीता उनकी जगह कभी न ले सकी। आप ही मेरे राम हैं। आपसे अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, लेकिन आपके सामने सर मेरा ही झुका होगा। पूजा आप ही के करूंगी। लक्ष्मी, कुमार साहब सच कहते थे, तुम औरत नहीं देवी हो। मुझे मेरी देवी कब मिलेगी? ये तो तकदीर की रामायण लिखने वाले राम ही जानते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? इंतजार कीजिए, उन्होंने अलग किया है तो मिलने का रास्ता भी बताएंगे। राम कटोरी, एक बात बता। पूछो। तू मुझसे कितना प्यार करती है? 10 किलो। 10 किलो? ऐसा बुढ़ऊ सुन लेगा? अरे सुनने दे बुढ़ऊ को। प्यार किया तो डरना हो क्या? प्यार किया तो डरना। अच्छा एक बात बता, तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? क्योंकि तू गाता बहुत अच्छा है। तू मेरा किशोर कुमार है, शब्बीर कुमार है, हेमंत कुमार है। तो तानसेन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अरे मर गया तानसेन अकबर के साथ। इस बैजूबाला के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अच्छी पिक्चर थी, लगी थी शीला थिएटर में। अबे ओ भूतनी के। राम कटोरी जी, तेरे को गाना पसंद है? खाना नहीं मालिक, हमका खाना नहीं, गाना। गाना हमका पसंद है मालिक। तो एक काम कर, ये टनी का क्या गाएगा? अच्छा, इसका और मेरा मुकाबला कर। जो जीतेगा उसके गले में तू वरमाला पहना देना। बोल, मंजूर है? हाँ मालिक, मंजूर है हमका। मंजूर है? तेरा वो मंजूर है? हाँ मंजूर है। ललिता और इसके साथ वापस ले लिया। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर साहब, ऐसा लगता है आपने ललिता पे जादू कर दिया है। आपके बगैर तो ऐसे उदास हो गई थी जैसे उसका कोई खजाना खो गया हो। जाहिर है, बाप के बगैर बेटी का यही हाल होगा। हमारा तो इससे भी बुरा हाल था। अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे और दहेज में इसके ससुर को डिग्री देंगे। तो उन्होंने शर्त रखी है। साहब, हमारा पैसा आए, ये लो तुम्हारा किराया। कितने रुपए? 20 रुपए साहब।
ये 20 रुपए नहीं है, 20 लाख है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मतलब पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई के बाहर का। हाँ जरूर पूछो। सर आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। तो फिर आपकी पत्नी कहाँ है? यहाँ रहती है। ये तो दिल है, कोई घर थोड़ी है जो आपकी पत्नी यहाँ रहती है। अरे घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन पत्नी जो महान होती है वो दिल को घर बनाकर वहां रहती है। राइट सर, तुम भी अगर पास हो गई और मेरी नजरों में महान बन गई तो तुम्हारी जगह भी इसी घर में होगी। सर आपके बच्चे कितने हैं? अरे 2 बच्चे, एक बेटी, और जो मेरी बेटी से शादी करेगा मेरा दामाद, तो मेरा बेटा ही हुआ ना। आपकी बेटी का नाम? ललिता। के दामाद का नाम मैं बता सकती हूँ सर, एक बड़ा ही नालायक अकड़ किस्म का लड़का है। एक बार क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रोफेसर की तस्वीर बनाने जा रहा था तो खुद की तस्वीर बना बैठा। यू स्टूपिड इडियट, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, अपने होने वाले पति को घड़ा बोलती है। संभाल कर प्रोफेसर साहब, आईना देख लीजिए, बालों में सफेदी आ चुकी है। अरे ये बुढ़ापे की सफेदी नहीं, ये तो मोहब्बत की चांदी है जो दिल से उछल उछल कर बालों के जंगल में अटक कर रह गई है। कभी मौका मिले तो इस दिल के ज्वालामुखी में झांक कर तो देखो। लेट आई तो इतना गुस्सा, मुझे छोड़ के जाने लगे। हट जाओ ललिता। मगर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। मुझसे सवाल मत पूछो, अगर हिम्मत है तो जाकर अपनी माँ से पूछो। अरे साहब, छोकरी के चक्कर में तुम हमारा भाड़ा भी भूल गया। थोड़ी देर में आता हूँ, तुझे टिप दे दूंगा। हाय ललिता, मुंह फिरा कर चला गया ना। ललिता Old is gold. जो नया है वो बेवफा, जैसे रवि। कम ऑन ललिता, अभी भी वक्त है, मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी पर ऐश कराऊंगा मेरी जान। वाह क्या इंडियन नारी है, वाह वाह वाह। तुम तो बड़े स्टाइल से इश्क करने जा रहे थे, लेकिन उसने दूसरे स्टाइल से कितनी जोर से तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा कि तुमको तो दिन में तारे नजर आ गए होंगे। तुमको क्या लेना है? अरे गुस्सा थूक दे, मुझे तुझसे कुछ लेना नहीं है, चाहे तुझे कुछ देना ही होगा। ये लड़की है कौन? तेरी नानी लगती है, कमाल है, है शहर की सबसे दौलतमंद बेवा लक्ष्मी देवी की बेटी। लक्ष्मी की बेटी? हाँ, और इसकी शादी मेरे सबसे बड़े दुश्मन रवि के साथ होने वाली है। बिग प्रॉब्लम, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शादी हो गई तो सारी दौलत उस लड़के की हो जाएगी और मैं सड़क पर। क्या बात है, तुमको ज्यादा जज्बाती हो रहे हो बेटा। तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देखी? देखा नहीं, सिर्फ सुना है। बेटे मैंने देखा भी है और सुना भी है, ये लड़की हीरे का अंडा देने वाली है। तुझे कैसे मालूम? तुम्हें लड़की से मतलब आम खाने से? मुझे तो हर हाल में ये लड़की चाहिए। मुझे हर हाल में आम चाहिए, यानी के दौलत। देखो बेटा, तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी और मुझे बड़े बड़े आम। इस शुभ काम में हाथ मिला लेते हैं। हट जा ललिता, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, आज तो रास्ता नहीं छोड़ूंगी और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम नहीं बता देते कि बात क्या है, तुम किस वजह से नाराज हो। जाओ ललिता, मेरी जबान मत खुलवाओ। आज जबान खोले बगैर तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो सुनो ललिता, तुम एक पतचलन और पत्कार माँ की बेटी हो। शराफत का ढोंग करने वाली एक अय्या शरद की बेटी हो तुम। तुम्हारी विधवा माँ
प्रोफेसर विजय चौधरी की बाहों में बुरी तरह से लिपटी हुई थी। मेरी देवी जैसी माँ के लिए ऐसे गंदे शब्द तुम्हारी जुबान पर आए कैसे? मेरी माँ को गाली देते हो? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई हेट यू, आई हेट यू। हेट हिम, हेट हिम, नो प्रॉब्लम। लौंडिया हिट है, अपलू फिट है। मम्मी मैंने कह दिया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ललिता, ये क्या पागलपन है? शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करूंगी? मजाक है क्या? मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करूंगी। रवि ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा किसी ने। ललिता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। तूने आज तक अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाई, आज भी मत छुपाओ। बता, बात क्या है? नहीं बता सकती माँ, नहीं बता सकती। जिस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? मम्मी, मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी। देख बेटी, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े गलतफहमी होती है, और गलतफहमी बहुत बुरी चिंगारी है, उसे पहले दिन ही बुझा देना चाहिए, वरना कभी कभी ये चिंगारी बसे बसाए घर को जलाकर खा कर देती है। खैर, तू फिक्र मत कर, मैं रवि से बात करूंगी। नहीं माँ, तुम रवि से नहीं बात करोगी। अगर तुम मेरी माँ हो, तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, तो उससे कोई बात नहीं करोगी। मम्मी, मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर चौधरी, बहुत जब्त करने के बाद मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आज शाम सूरज डूबने से पहले ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना इस लोहे की सलाख से मार मार कर मैं तुम्हें ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे स्टूडेंट की तरफ से ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है? तुम्हारी असलियत के बदले। क्या? तुम्हारे काले कारनामों के बदले। क्या कह रहे हो तुम? अपने इस भोले चेहरे से तुमने बहुतों को बहुत दिलों तक बेवकूफ बनाया, मगर तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। प्रोफेसर रवि, चिल्लाओ मत। तुम लोगों को तो शराफत का सबक सिखाते हो, लेकिन खुद खुद पापी हो, एक गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें ललिता की विधवा माँ के साथ प्यार का गंदा और घिनौना नाटक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। है कोई जवाब तुम्हारे पास? जवाब तो ऐसा है, अगर दूंगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त खामोशी ही बेहतर है। कभी न कभी मेरे बदले वक्त खुद तुम्हें जवाब देगा। वक्त जवाब दे ना दे, मगर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद तुम इस शहर में नजर नहीं आओगे। अच्छी बात, तुम्हारी चेतावनी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, मानो तुम लोग? हमें रवि ने आपके पास भेजा है ये कहने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके आप ये शहर खाली कर दीजिए। कर देंगे ना सर? मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर चोरों की तरह घुसा है और मुझे धमकी दे रहे हो? जी हाँ सर। ओके, देखते मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नो प्रॉब्लम, पुलिस को फोन करो, मिनिस्टर को फोन करो, कमिश्नर को फोन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फोन मर चुका है। मेरा मतलब है, मेरे चमचों ने तुम्हारा फोन काट लिया है। कितनी बुरी बात है, अब यहां से बाहर कैसे जाओगे? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस शहर से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि हम ठहरे भाड़े के टट्टू भाई। जैसा रवि बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा ना? राइट। हाँ।
हेलो, आप लक्ष्मी जी बोल रही हैं? हाँ मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। देखिए प्रोफेसर साहब पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। प्रोफेसर साहब पर गुंडों ने हमला कर दिया? जी हाँ, वो बहुत जख्मी हालत में है। उनके होठों पर एक ही शब्द है, लक्ष्मी लक्ष्मी। उनसे कहिए मैं अभी आ रही हूँ। हाँ मम्मी, क्या बात है मम्मी, कहाँ जा रही हो? वो आज श्रद्धों का आखिरी सोमवार है ना, मैं मंदिर जाना भूल गई। तेरा खाना तैयार रखा है तो खा ले, मैं अपने भगवान को देखकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। भगवान, ये क्या, आप पूरी तरह घायल हो गए? चलता है लक्ष्मी, जख्म सहने की अब तो आदत सी पड़ गई है। शायद दिल में जगह नहीं मिली इसलिए जख्मों ने शरीर पर ठिकाना बना लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने फोन करके बताया, लेकिन बताए तो सही ये सब किसने किया? थे कुछ गुंडे, लेकिन इसमें रवि का कोई कसूर नहीं है। लक्ष्मी, रवि ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसने मुझे यहां से चले जाने की धमकी भी दी। तो ऐसे देखा जाए तो रवि का कहना भी सही है, अगर मैं यहां रहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे और हमारे मिलने से उनका प्यार बदनामी का शिकार होगा, उनकी शादी टूट जाएगी। इसी बेहतर है कि मैं यहां से चला जाऊं। ऐसे मत कहिए। मैं मजबूर हूं लक्ष्मी, मेरे जिंदा होते हुए भी तुमने एक विधवा का जीवन गुजारा, मेरे मर जाने पर भी तुम विधवा ही रहोगी। लेकिन मेरे यहां से चले जाने से ही ललिता की मांग में सिंदूर भर जाएगा। मैं भी कितनी अभागन हूं, बरसों की तपस्या के बाद आपको पाया भी है तो खो देने के लिए आज मेरा सुहाग मुझे मिला है, उसे अपने कहने की इजाजत तक नहीं मुझे। एक कृपा कीजिए, ललिता की शादी तक रुक जाइए, उसके बाद मैं अपने चिंतन मुक्त हो जाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, मुझे जाना ही होगा, आज फिर शक की आग ने जन्म ले लिया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा खुशियों के कदम उस घर में नहीं पड़ेंगे। लक्ष्मी तुम समझ लेना कि बरसों पहले ही मैं मर गया था और तुम सचमुच विधवा हो। ऐसे कभी मत कहिएगा, मेरा सिद्धू जो भगवान के पास अमानत है उसकी कसम खा कर कह रहे हूँ, होश में आओ। हुआ क्या ललिता, आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। रवि तुमने सच कहा था, एक बदकार माँ की बेटी हो और ऐसी माँ की बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरोगे? मरेंगे वो जिन्होंने अय्याशी के हथियार से अपने जमीर को कत्ल कर दिया, जिन्होंने अपनी आत्मा अपनी हया को मार डाला। तुम्हारे मर जाने से उनका जमीर दोबारा जिंदा नहीं हो जाएगा। हम जिएंगे ललिता, हम जिएंगे उनसे बेताल्लुक होकर, उनसे कोई भी संबंध रखे बगैर। हमारे पास हमारे प्यार की दौलत है, हमें तुम्हारे माँ की दौलत की जरूरत नहीं है। ठीक कहते हो रवि, अच्छी बात है,
तुम मेरा घर पे इंतजार करना, मैं उस घर में आखिरी बार होकर आती हूँ। ललिता, ललिता फिक्र मत करो, मैं इनकी दौलत में से किसी चीज का हाथ नहीं लगाऊंगी। उस पाप के घर में एक पवित्र चीज रखी है, सिर्फ वो लेकर आऊंगी। आप उस दुनिया में है जहाँ भगवान आपके बहुत करीब है, एक बार उसे पूछ कर तो देखिए कि क्या जब तू अपने भक्तों की परीक्षा लेता है तो उनके दामन में दुख डालकर दोबारा सब डालना भूल जाता है। आपको दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं हर जख्म को उसको लाकर बहती रही, सुहागन होते हुए गुस्सा बनी रही, लेकिन कब तक ये अब आकर कहां तक सहती रहेगी। इतना आशीर्वाद दीजिए कि वचन का आखिरी पालन कर सको, ललिता को दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सको। ये क्या ललिता, ये तस्वीर कहाँ ले जा रही हो? जहाँ मैं जाऊंगी डैडी की तस्वीर भी वहीं जाएगी, लक्ष्मी देवी। जी हाँ, दुनिया का असूल है कि अगर बेटी गुमराह हो जाए तो माँ उसे मारती है, सजा देती है या घर से निकाल देती है, लेकिन अगर माँ गुमराही के रास्ते पर चली जाए तो बेटी के लिए एक ही उपाय रह जाता है कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। नहीं ललिता, नहीं, इस घर से ऐसे मत जाओ। मैंने एक ही तमन्ना, एक ही सपने पर मैंने ये पहाड़ जैसे जिंदगी काटी है कि तुम्हारी माँ में सिंदूर लग जाए, कि तुम सुहागन जोड़ा पहनो, सात महीने पूरे करो और इस घर से विदा हो जाओ। बस बस इतने से भी इस अभागन माँ की झोली में डाल दो। जो सिंदूर तुम मेरी मांग में लगाना चाहती हो वो खुद की सूनी मांग में क्यों नहीं लगा लेती? सुहाग का जोड़ा मुझे पहनाने के बजाय खुद क्यों नहीं पहन लेती? मेरे साथ फेरे कराने के बजाय प्रोफेसर साहब के साथ खुद साथ फेरे क्यों नहीं लगा लेती? ललिता मत जाओ, तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मत जाओ ललिता, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तुम्हें मेरी नहीं प्रोफेसर की जरूरत है, अब उनके ही साथ खुलम खुला जाकर रहना शुरू करो। ललिता तुम्हारे लिए मर चुकी है। इस वकील ने जिंदगी बहुत सारी कहानियां सुनी है, अगर ऐसी दर्दनाक कहानी पहली बार सुनी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रवि को समझाऊंगा। तुम, मैंने तुम्हें शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था ना? रवि, ये तुम्हारे उस्ताद हैं, उस्ताद ऐसे बात की जाती है? ये उस्ताद नहीं, नहायत गिरा हुआ आदमी है, नीच है, जलील है। ऐसे आदमी का हमारे घर में बैठना हमारे घर का अपमान है। बिना सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगाना किसी का खून करने से बड़ा जुर्म होता है। सच्चाई मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते हो, सच्चाई मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती। ललिता, नो प्रॉब्लम। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, पटोरने आया हो। बात दरअसल यह है कि आज से 15 साल पहले इस घर के साथ मैं एक हिसाब अधूरा छोड़ गया था, आज उस हिसाब को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। अब तुम जाते हो, जब पुलिस को बुलाओ। नो प्रॉब्लम, लेकिन बुलाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनोगी तो तुम्हारी ये दुनिया घूम जाएगी। तुम्हारी चहेती मासूम अमीर बेटी इस कड़के के कब्जे में है। तुम झूठ बोल रहे हो। ना 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 ना, मैं बेईमान आदमी जरूर हूँ, लेकिन बेईमानी की बात में झूठ नहीं बोलता।
और मेरी सच्चाई का सबूत है मेरे स्वर्गीय भाई साहब की ये तस्वीर, जिसे आपकी बेटी अपने साथ ले गई थी। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है मैडम, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है। मैं को फजूल में उसे जानते थोड़ा मार दूंगा, मुझे सिर्फ आप उसके खिलौने दे दीजिए। मेरा मतलब है, आज सूरज डूबने से पहले अपने जेवर, अपनी बेटी के जेवर और जितना तुम्हारे पास कैश है ना, वो सब लेकर काले खंडर पहुंच जाना। मगर एक बात का ध्यान रहे मैडम, मैं बहुत सुअर आदमी हूँ, अपने बाप का खून मैंने किया, अपने भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मैंने जान से मार दिया। अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी के जिस्म को काट काट कर इतने टुकड़े कर दूंगा कि उसकी लाश को कफन में लपेट कर चिता पर लिटाना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मेरे भक्तों, एक जमाना था इस मंदिर के भगवान को फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, आज जमाना ये है कि शैतान को धन का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। मेरी लटरी। आइए लक्ष्मी जी, आइए आइए। वाह लक्ष्मी जी वाह, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं, हाथ में धन की लक्ष्मी है और मन में बेटी की मोहब्बत की लक्ष्मी है। एक काम कीजिए, ये बैग की लक्ष्मी मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं, पहले ललिता को मेरे हवाले करो। करेंगे लक्ष्मी, जरूर करेंगे, लेकिन पहले धंधे का असूल तो पूरा कर ले। इस हाथ से बैग लेंगे, उस हाथ से आपकी ललिता देंगे। ला बैग ला। अरे घबराइए मत, लाइए। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बैग दो इसको। ललिता, निशान जरा देख मेरा चढ़ावा पूरा है कि नहीं। तेरा चढ़ावा ठीक है लक्ष्मी, तुमने इस लक्ष्मी के लिए मुझे 20 साल तक तड़पाया है, पहले अपनी तड़प का प्यास तो पूरा कर लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह दौलत का ब्याज दौलत की शक्ल में वसूल किया जाता है, उसी तरह तड़प का ब्याज तड़प की शक्ल में वसूल किया जाएगा, और आज से हम अपना ब्याज वसूल करते हैं। पकड़ो इसे। निशान, असल तो मैंने वसूल कर लिया है, ब्याज तू वसूल कर ले। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कतार भूल गया? तूने भी तो अपने भाई के साथ गद्दारी की थी। मैंने की तो क्या हुआ? पतंग, तुम लोगों को माल चाहिए ना, मैं दूंगा, तुझे मिलेगी मौत। मेरे बेटी को बचा लो। ये न्याय की मूर्ति है, अपने चरणों में अन्याय नहीं होने देगी। हट! Thank you.
जा रही हो? आओ मेरे साथ, जाओ जाकर माफी मांगो अपनी मां से, उन्हें होश में लाओ। अगर ये चली गई तो संसार से सच्चाई और पवित्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जाओ। क्या माफी और इनसे? हाँ हाँ, इनसे, इस देवी से, जो तुम्हारी मां ना होते हुए भी तुम्हारी मां से महान है। रवि, तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा है। जिस शक की आग ने तुम्हारे होश को जला दिया है, उस आग को बुझाने के लिए मैं सच्चाई को पानी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं वकील हूं, आज तक बहुत सारी अदालतों में मैंने मुकदमे लड़े हैं, मगर आज मैं संसार के सबसे बड़े जज की अदालत में तुम्हारे शक का मुकदमा लड़ूंगा। मैं इस महान जज के पवित्र चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि सच कहूंगा और सच में झूठ का एक शब्द भी शामिल नहीं करूंगा। इस देवी ने जिंदगी में दो बार शक की आग में सच्चाई की अग्नि परीक्षा दी है। पहली बार तो जब इनके पति प्रोफेसर चौधरी ने इनकी पवित्रता पर शक किया और इनको घर से निकाल दिया। ये जिंदगी से मायूस थी। ऐसी हालत में तुम्हारे मरते पिता ने तुम्हें इनकी गोद में डाल दिया और इनसे वचन लिया कि ये एक मां की तरह तुम्हारी परवरिश करेंगी। इन्होंने वचन दे तो दिया, मगर उस वचन को निभाने के लिए इन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं कि अगर आकाश से कोई देवी भी उतर कर आ जाती तो उसके भी कदम डगमगा गए होते। तुम्हारे पिता मर चुके थे, मगर इनके पति जिंदा थे, ये सुहागन थी। मगर तुम्हारे मासूम दिल को चोट न लगे, कल तुम्हें ये पता न चले कि ये तुम्हारी सगी मां नहीं है। इस देवी ने अपने मांग का सिंदूर हटा दिया ताकि कल जब तुम्हारे मांग में सिंदूर की बारी आए तो इनका सिंदूर तुम्हारे सिंदूर के रास्ते में रुकावट पैदा न करे। कुर्बानियां दी है इस देवी ने, और तुमने उन कुर्बानियों के बदले क्या दिया? इन्होंने कुर्बानियां दी, तुमने गालियां दी, इन्होंने प्यार दिया, तुमने धिक्कार दिया। ये तुम्हारी मां न होते हुए भी तुम्हारी मां बन गई, मगर अफसोस ये है कि तुम उनकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दो मां, मैं इस काबिल तो नहीं हूं मां, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है बेटी? तेरे शक की आग में मैंने अपने सच्चाई की अग्नि परीक्षा दी। एक दिन तुमने मेरी खातिर अपनी मांग का सिंदूर हटाया था, आज मैं तुम्हारी मांग तुम्हारे ही पति के खून के सिंदूरी रंग से भरूंगी। माँ!
प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दोबारा तो इंस्पेक्टर साहब मर गया, गिरफ्तार कर लीजिए। भगवान, आजकल की औलाद को अकल दे के वो अपने माँ बाप को इज्जत दें, उनको प्यार दें, और साथ में मेरे ग्राहकों को अकल दे कि मुझे कभी कभी पैसा दे दिया करें। वो पैसा ही नहीं देता है, कब तक उधार में काम चलेगा? क्या बात है?